हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में एक बार पुनः आप लोगों के लिए आ चुका हूं और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसीलिए बीटीएससी 10709 ANM के रिगार्डिंग इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। बीटीएससी ANM केस का क्या हुआ, कब तक केस का सुनवाई हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग ये भी बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ मामला अटका हुआ है। तो संपूर्ण कम्प्लीट जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो साथियों, मैं आप लोग को ये अपडेट दे रहा हूँ, ये आप लोग देखे होंगे द स्टेट ऑफ बिहार वर्सेज अर्चना कुमारी, जो इम्पोर्टेंट केस अभी बन करके उभरा हुआ है, क्योंकि सरकार खुद जब कोर्ट में गया है तो सरकार की केस को ज़्यादा वैल्यूबल यहाँ पर दिए जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी तो गवर्नमेंट को ही क्लियर करनी है ना। अब आप लोग ये देखे होंगे कि इस केस का लिस्टिंग 18 तारीख की डेट में यहाँ पर जो आप लोग अपडेट देख पा रहे थे, लेकिन आप लोग को मैंने बताया था कि 18 के डेट में इस केस की सुनवाई नहीं होगा और इस केस का सुनवाई 18 के डेट में नहीं हुआ, क्योंकि इनका सीरियल नंबर वगैरह नहीं मिला था। तो इस केस को अब सुनवाई जो है आप लोग को अक्टूबर में यहाँ पर होने की उम्मीद है, ठीक है। अभी न्यू डेट का कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन इसका जो आप लोग चांस की बात करेगा, उम्मीद अगर आप लोग रखिएगा, तो इस केस का अब अक्टूबर में यहाँ पर सुने जाने की उम्मीद है, संभावना है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केस रहता है, तो उसमें ऐसा नहीं कि आपकी केस को पहले सुन लिया जाएगा, सीरियल नंबर से ही आता है, सारी चीज़ का काम होता है वहाँ पे। तो इस केस को अब अक्टूबर में चांसेज है सुने जाने के। अब मैं आप लोग को बता दूं, देखिए ये केस जब BTSC ANM की बात किया जाए तो अभी बहुत सारे लोग दावा के साथ कहेंगे कि हम जीत गए, लेकिन आप लोग किसी की बातों पर भरोसा नहीं रखें कि कौन जीता है। जब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जब फाइनल जजमेंट दे देंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि किसके पक्ष में ये केस गया हुआ है। इसलिए कोई भी स्टूडेंट अभी किसी के बातों पर ना पड़े, और ख़ास करके जो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत तरीक़ों से चंदा वसूल रहे हैं, आपसे पैसा ठक रहे हैं, और बड़ी बात है इसमें कि आप पैसा दे भी देते हैं, लेने वाले को तो छोड़िए, वो तो लेंगे ही, लेकिन आप दे देते हैं, ये बड़ी बातें हैं। अब आप सोचते नहीं हैं, विचारते नहीं हैं, नाम सुनते ही नौकरी पैसा फेंक देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आप लोग को एक अच्छी अपडेट पिछले वीडियो में दिया था, मैं फिर दे देता हूँ। बिहार सरकार पुनः न्यू वैकेंसी निकालने जा रही है, अक्टूबर तक निकलने का पूरा यहाँ पर चांसेज है। तो अब आप लोग को बारी आ गई है पढ़ने के, पिछले बार की तरह इस बार भी मत सोचिए कि नंबर दिखाएंगे मार्कशीट पर और नौकरी हो जाएंगे, इसके लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए आप लोग को स्टडी मटेरियल चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चंस चाहिए एग्जाम में मैच करने वाला। तो बिल्कुल रूप से आप लोग इस नंबर पर, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पर आप लोग क्या करें, मैसेज करें, और आप लोग इस व्हाट्सअप पर और PDF लेकर के, और क्लास भी हम करवा रहे हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ करके फ्री में क्लास करिए और PDF लेकर के बेहतरीन तरीका से पढ़िए। मैं फिर बता देता हूँ, नंबर दिखाओ नौकरी लो ये नहीं चलने वाला है, और परीक्षा दो पास करो और फिर नौकरी लो, ये होने वाला है, हुआ भी है और होगा भी। इसलिए अब आप लोग को पढ़ने की बारी है, पढ़ाई करिए, और जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए। अब सरकार खुद पहुंच गया है उस केस को देखने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, तो रहने दीजिए, उसके अकॉर्डिंग चलने दीजिए, नहीं तो आपसे क्या होगा ना, सिर्फ और सिर्फ पैसे लिए जाएंगे और कुछ नहीं होगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, बड़े हो चुके हैं, नौकरी लेने लायक हो गए हैं, तो इतना तो ज़रूर समझ रहे होंगे कि अब क्या होने वाला है और करना क्या है। मेरा सजेशन मानिएगा तो आप लोग PDF लेकर के या फिर मार्केट से कोई भी बुक लेकर के, जैसे भी हो जहां भी हो, आप पढ़ाई करिए बेहतरीन तरीका से, क्योंकि न्यू वैकेंसी आने वाली है। अगर आप केस के चक्कर में रह गए और ये भी वैकेंसी छूट गया, परीक्षा में पास नहीं कर पाए, तो आप हाथ मलते रह जाओगे, और नंबर दिखाओ नौकरी लो ये वाला सिस्टम से बाहर तो हो ही जाएंगे, और एग्ज़ाम में भी आप लोग पास नहीं कर पाओगे। इसलिए अब पढ़ने की बारी है, बाकी हम लोग इंतज़ार करेंगे सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर मंथ का, जैसे जो अपडेट आएगा मैं बताऊंगा। तब तक के लिए सभी को थैंक यू।